आपके रिश्तेदार थे, आपके दोस्त थे, आपके पड़ोसी थे, तो रो क्यों रहे भाई इतना? जी कहिए, मैं ही द्विवेदी जी का बेटा हूँ। जी वो आपके पिताजी की अमानत आपको सौंपनी है। अमानत? वो क्या है कि कुछ दिन पहले आपके पिताजी हमारी आर्ट गैलरी में आए थे और ये 20,000 की पेंटिंग उन्हें बहुत पसंद आई थी। 1,000 रुपये एडवांस दे चुके हैं, बाकी के पैसे डिलीवरी होने पर लेने को कहा था। पेंटिंग? अजीब बात है, पिताजी का तो पेंटिंग का बिल्कुल शौक नहीं था। मरने का शौक था? नहीं, फिर भी मर गए ना। लेकिन देखो, कभी कभी आदमी है ना, शौक से ऐसे काम कर जाता है जिसका उसे कोई शौक ही नहीं होता। हाउ शॉकिंग इज दैट? शॉकिंग। छोड़िए ना भाई साहब, फटाफट पैसे दे दीजिए। बिल्कुल, अंकल की भटकती आत्मा को शांति मिल जाएगी। करेक्ट, पता नहीं कहाँ भटक रही है। पापा की पेंटिंग, हमारे पैसे, ये 20, थैंक यू, ये लो 19, ये हाथ में पकड़िए, वो 1,000 गुड लक का दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। इतनी मेहनत से पेंटिंग लाया, खोल के देखो तो सही। ए रुको, देखो यार, अभी डिस्काउंट मत मांगना यार। ये क्या है? पेंटिंग है। और क्या? ओ, किस चीज की पेंटिंग है ये? घास खाते हुए घोड़े की पेंटिंग है। अच्छा, तो इसमें घास कहाँ है? घास तो घोड़ा घोड़ा खा गया ना। तो घोड़ा कहाँ है? अब घास खाने के बाद घोड़ा क्यों रुकेगा? वो तो चला गया। क्यों भाइयों? सही बात है, सही बात है, चला गया वो, घोड़ा चला गया। हम चलते हैं, चलते हैं। नमस्ते, नमस्ते जी, थैंक यू। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, घास एक बार फिर उगेगी ना तो घोड़ा अपने आप वापस आ जाएगा। ए पंटर लोग, ए उठो रे, ए सुबह हो गई मामू, चल थोड़ी देर और सोने दे। ओए कह दिया ना, ओए इतने झोपने का नहीं बोला तो झोपने का नहीं। लॉलीपॉप, चल उठ रे, चलो घर जाओ। चलो घर चलते हैं। बाप का राजे, घर चलते हैं। रेंट देना आंटी को, पैसे निकालो यार। वो सारे खर्च हो गए, अब क्या करे? मेरे पास एक आइडिया है। न्यूज़पेपर? अभी चोरी, अभी चोरी करके आता हूँ। पेंटिंग नहीं, हम लोग जाके लेके आते हैं। वैसे समीर जी, कहिए। मैं ही समीर अग्रवाल हूँ। मैं इंस्पेक्टर कुलकर्णी, क्राइम ब्रांच। आपके पिता मिस्टर अग्रवाल का जिन 4 लोगों ने मर्डर किया है, पुलिस को शक है कि वो 4 लोग पाशा गैंग के आदमी। मिस्टर अग्रवाल का मर्डर संडे रात 9 बजे हुआ, लेकिन वो शाम को 6 बजे ही घर से बाहर निकल चुके थे। क्या आप बता सकते हैं वो घर से बाहर किस काम से निकले थे? एक्सक्यूज मी, हम लोग अग्रवाल साहब से मिलना चाहते हैं। काम क्या है? वो फोन पर कह रहे थे कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं अभी सिर्फ 50,000 रुपए ही दे सकता हूँ। अच्छा, तो 50,000 उन्होंने तुम्हें दिए थे? एडवांस? एडवांस को शक है क्या? मुझे याद आ गया, पापा ने फोन पर एक मुहावरा बोला था। वो फोन पर कह रहे थे कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। आई थिंक कोई मिस्टर अग्रवाल को ब्लैकमेल कर रहा था। हो सकता है घोड़ा और घास उनका कोड वर्ड हो। साहिबाना साहब, काफी अच्छी जान पहचान लगती है आप लोगों के अग्रवाल साहब से। हाँ, अपना काम ही कुछ ऐसा है, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान रखनी पड़ती है। समझो बेटा, जा। एक्सक्यूज मी मिस्टर समीर, और जरा जल्दी करें, हमारे पास टाइम नहीं है। वेले क्या हम लोग? जल्दी करना है यार। अरे ऐसे भी क्या जल्दी है, चले जाना, जरा हम भी तो देखें वो पेंटिंग। क्यों, तुम हो कौन? इंस्पेक्टर कुलकर्णी, क्राइम ब्रांच। ये पूछना था, ये पूछना था। चलो चलो, पेंटिंग दिखाओ, जल्दी जल्दी करना। उल्टा है, घोड़ा लेटा हुआ था। घोड़ा और घास, गिरफ्तार कर लो सबको, जल्दी। आज के बाद मैं किसी के चौथे पे नहीं जाऊंगा। अबे नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आज के बाद सब लोग हमारे चौथे पे आएंगे। पीटर, पहचाना? कुलकर्णी साहब का फेवरेट रोड है ये। हाँ, लास्ट टाइम टीटू टार्जन का एनकाउंटर भी इधर ही किया था। देखा ना, मैं हाथ में पिस्तौल, शर्ट के बटन खुले हुए, और जैसे ही वैन रुका और टीटू टार्जन को उतारा ना, वो समझ गया था कि आज उसका गेम बजने वाला है। सही करते हैं साहब, उठाया और बस एनकाउंटर।
तेरे को पता है कुलकर्णी साहब का कितना स्कोर हो गया? क्या स्कोर हो गया? हाफ सेंचुरी में 4 कम है। क्या बात कर रहे हैं? 47, 48, 49, 50. यस सर क्या अग्रवाल के मर्डर का पता चल गया? जी सर, लेकिन सर इन चारों का? जी सर, राइट अवे सर। ये गाड़ी ये यहाँ आज हाफ सेंचुरी कंप्लीट। देशमुख, खोल दो इन्हें। यस सर। नहीं, इट्स ओके। ए, छोड़ो। चलो, जल्दी, जल्दी। चलो नीचे उतरो। नहीं, नहीं, नहीं। चलो नीचे उतरो। नहीं सर, प्लीज सर, हमने कुछ नहीं किया सर। बताएं मुझे। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। अबे छोड़ने की बात मत कर सर, प्लीज हमें पकड़ के रखिए सर, सर हमें उम्र कैद की सजा दे दीजिए सर। निकालो इनको बाहर सबको। नहीं 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 सर, हाफ सेंचुरी किसी और दिन मारना सर। जल्दी 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 जल्दी, चलो तुम सब आजाद हो। थैंक यू सर। मानो सर आप पीछे से गोली मार दोगे ना सर? सामने से नहीं मार सकता क्या? हाँ प्लीज प्लीज सर, छोड़ दीजिए। नीचे वो तो गया, बच गया यार, बच गया। गाड़ी में तो कोई नहीं है। अब बिना ड्राइवर के गाड़ी चलेगी तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। ए, वो रहा। चल 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 चल। Oh God, oh my God, oh God, he's badly hurt. Shit. हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। नहीं, मैं जानता हूँ मेरा आखिरी वक्त आ गया है। नहीं सर, आपको कुछ नहीं होगा, हम एम्बुलेंस लाते हैं। आप जस्ट कोई फायदा नहीं। फिलहाल मैं जो कह रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनो। गोवा देखा है तुम लोगों ने? देखा तो नहीं सर, आप ट्रैवल एजेंट हैं? शट अप मानव, तुझे पानी ले गया, सॉरी। देखो मेरे पास वक्त बहुत कम है। गोवा में सेंट सेबेस्टियन गार्डन में एक बड़े डब्ल्यू के नीचे, एक बड़े डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपए हैं। 10 करोड़? 10 करोड़? 10 करोड़? हाँ, मेरी जिंदगी भर की कमाई है वो। मगर ये सब आप हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम भले लोग लगते हो पर आजकल की सुरक्षित दुनिया में कौन किसकी मदद को आता है? वैसे भी अब वो सारा रुपया मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। तुम उन पैसों को निकाल लेना और आपस में बांट लेना, फिर सारा जहां तुम्हारे कदमों में होगा, सारी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी,
उन पैसों को निकाल कर अपने सपने पूरे करो और शहंशाहों की तरह जियो, शहंशाहों की तरह जियो।